अंजलि। अब नाम पढ़ रहे दोस्तों। सर ये दूसरा दिन है। पति, पत्नी और बच्चा। गोले के लिप्स का है? लिप्स। लिप्स। गोले की नोज? नोज का है? मैं आज को फोन किया और बोलता है कि मैंने यहाँ पे खाना खा लिया है और मैं क्या पीपी कर रहे हो? पॉटी आई है? ओह नो। वाओ, गुड मॉर्निंग। बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा गाड़ी दिखाओ, अपनी गाड़ी दिखाओ। इधर देखो मेरे, देखो मम्मा कहाँ है गोले की? गोले की आईज कहाँ है? आईज। अच्छा गोले के बाल कहाँ है? बाल। बाल। गोले के हैंड? हैंड। अच्छा गोले के लिप्स कहाँ है? लिप्स। लिप्स। गोले की नोज? नोज कहाँ है? ओ नोज। अच्छा गोले की फिंगर्स कहाँ है? फिंगर्स। फिंगर्स। सुबह सुबह नफरत फैला रही है दीदी। क्यों बुरे को डांटती हो दीदी? दीदी वो आके बाबू का मुंह नहीं मारता है और चाटता है। क्या वो कुछ खाता है ना? बाबू क्या खा रहे हो? आंवला खा रहा बाबू। आंवला होता है? आंवला है? आंवला। दर्शकों को कुछ गुड मॉर्निंग कहनी नहीं? गुड मॉर्निंग गाइस। ओह गाइस, कौन से गाइस हैं ये? पूरे ऑल इंडिया का छोटे गाइस। छोटे से बाबू है गोले। गुड मॉर्निंग। खट्टा है वो? तो खट्टा ही होता है ना। इधर आ जाओ। आंवला खा रहा है? मैं तो सुबह सुबह आंवला खाता हूँ। गुड बॉय। छोटा सा बच्चा देखो आंवला खाता है सुबह सुबह। ए बुरे इधर आ जा, तू इधर आ जा। दीदी तैयारी में है खाने की। इधर इधर इधर। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू आवर चैनल LOL। चश्मा इसलिए डाला क्योंकि आंखें पूरी सूजी हुई हैं, मतलब नींद नहीं पूरी हो रही मेरी। मैं बोल ही नहीं पा रही कि मैं क्या बोलूं। तो रहन दो फिर। सुन नहीं हुई है, बहुत सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, बट कोई शिकायत नहीं है, अच्छा लग रहा है। चल छुट्टी। वेले भी बैठे थे, अब काम है तो काम कर लो, नखरे मत करो। ये मैं कहने के लिए मैंने वीडियो बनाया। तो चलते हैं, थकी हुई हूँ लेकिन अभी क्या करूँ, दिमाग को समझाना पड़ेगा कि नहीं भाई काम है तो काम है, कमिटमेंट है तो कमिटमेंट है। So guys, day two, happy happy moment, happy है हम सब क्योंकि आज डांस दीवाने का दूसरा दिन है। बस राखी खड़ी है मुझे लाने के लिए। राखी इस साल ज्यादा गोरी हो गई है। क्यों राखी गोरी हो गई हो? हाँ पिछली साल से ज्यादा हो गई हो, या शायद लोगों ने खून चूस लिया, बेचारी का खून चूस लिया। ये भी प्रोडक्शन में बेचारी इधर उधर भागती रहती है। चलिए फ्लोर पे यही होता रहता है, बट चलते हैं और मचाते हैं क्योंकि इस बार जज है या अंजलि। अंजलि तो शूट चालू हो गया है, बड़ा काम करवाते हैं यार ये लोग, लेकिन मजा आता है। ये भी अच्छी है, ये लोग भी अच्छे हैं। कौन लोग हैं आप? मैं मंजुला का टीम, पूरा फैमिली। अरे भाई ठीक है। सो अभी इधर तैयार हो रहा है, एक लड़का इधर छुप के खड़ा है, हालत खराब है उसकी क्योंकि उसका ऑडिशन है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी। ये जीतेगा मेरा भाई, जीतेगा पता नहीं मुझे, लेकिन सिलेक्ट होगा आज, ये मेरा आशीर्वाद है। और अगर तुम हो गए सिलेक्ट तो तुमने पैसे की मदद करनी मेरी। सो गाइस शूट 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 शूट, बीच में टाइम ही नहीं मिल रहा वीडियो बनाने का। जब भी टाइम मिलता है मैं वीडियो बना लेती हूँ। आ चुकी है अपनी शिवानगी दीदी। मेरे को इंस्टाग्राम पे या कोई रील वील देखते हैं वो फोटो सारे शिवानगी ने खींचे होते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरी शादी में प्री वेडिंग शूट भी शिवानगी ने किया था। सो बस अभी ऐसे करके फोटो शूट होगा मेरा, जिसमें मैं हीरोइन के माफिक बिल्कुल भी नहीं लगूंगी क्योंकि मेरे पास तीन स्टाइल है ये। उसके बाद वो भी बोलती है और करो ना, और है ही नहीं हमारे पास तो क्या करें। खाना खा लिया फिर से शूट पे। और ये जो टूटी बाह वाला लड़का है ना, इसकी बाजू इसीलिए टूटी है कि आर्टिस्ट को तंग करता था। माधुरी मैम ने किया ना ये, तो माधुरी मैम को कह रहा था, कहता मैम आपका शूट है, मैम ने बाजू मरोड़ती कड़कड़ ऐसे करके। oh, no. अभी मैं इसकी टांग पकड़ूंगी भाई। पापा और बेटी ने कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। गाइस वो चैनल की लड़कियां हैं जो काम और बढ़ा रही हैं, इनसे वो भी करवा लो। और ये
फिर से आ गए रे बाबा। गाइस इनसे ऊपर से करवाओ ना कुछ, मुश्किल वाला बोल रहा है ये। मस्तान साहब आप क्या कहते हैं? आप नाम पढ़ रहे हैं दोस्तों? सर ये दूसरा दिन है मैम, तीसरे और चौथे के बाद मैं आप सर निकलते हैं सर। सो गाइस ये है शो की बैकबोन टीम, सुखी सर, ये है सुपरस्टार हुजी सर। यार ये तो पागल करने वाली बात है, इधर देखो और भैया इधर देखो। अरे भैया यार ये कौन सा सांचा है जिसमें से तीन तीन। तो गाइस मेरे ब्लॉग में फर्स्ट टाइम एक साथ, किधर देखिए भाई, वाह जवाब नहीं आपकी मूंछों का। इनका इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये अलग अलग बेटे हैं किसी के और ये अलग बेटे हैं। तुम तीनों में से मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता ना तो या तो उसको एक को टकला कर देती या उसके हाथ पे काट देती। तुम लोग को घर बसाना है कि नहीं? बसाना है भाई, हाँ अलग अलग बसाओ कहीं दूर जाके। लड़कियाँ बेचारी पहाड़ों में, लगता तुम्हें पहाड़ों वाली पसंद है। One hour later. तो चलिए जी मैं घर आ गई हूँ। यार बहुत मज़ा आता है डांस दीवाने के शूट पे, और जब घर आओ नहाओ फ्रेश हो जाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। हर्ष कहीं गया हुआ है, रूपा दीदी गोले के पास है, किचन में जाके देखते हैं क्या बना है। ठंडे पानी से नहाओ दोस्तों, ठंडे पानी से मज़ा आ जाएगा आपको। मैं ठंडे पानी से नहाई हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं शूट से वापस आई हूँ और सारा दिन खड़ी रही हूँ सच्ची में। ये देखिए कोई पैर नहीं सूझेगा, सब ठीक लग रहा है। चलो देखते हैं क्या बना है। ओ कुकर फैमिली, पति पत्नी और बच्चा। वाओ शीला ये क्या स्टाइल है भाई। शीला येलो टी शर्ट नहीं तो पिंक टी शर्ट, पिंक टी शर्ट नहीं तो टाई एंड डाई वाला टी शर्ट। यार मैं बताऊँ शीला को भी कसूर नहीं और मेरा भी कसूर नहीं है। जब हम कपड़े धोते हैं ना तो धोके हम तय करके ऊपर रखते हैं, तो वो ना हमारे वाले कपड़े ऊपर पड़े रहते हैं तो वही उठा के हम लोग डाल लेते हैं ना, नीचे वालों पे जाते ही नहीं और कई कई दिनों तक वही धोके डालते रहते हैं। कुकर ने ना कुकर बैल कुत्ता पति बच्चा बस कुछ भी बोलो ये शीला आज भी तूने मिस किया मुझे है? हर रोज करती है, अपने काम कर रही होती बीच में मुझे क्यों मिस करती, क्या सोचती मेरे बारे में? इधर रहने का टाइम पर भी आपको याद आता है क्योंकि ना आप आते कभी-कभी आके हमको हंसा के जाते हैं। समझे दोस्तों मैं बहुत हंसमुख हूँ और घर में मैं ज्यादा हंसाती हूँ। स्टेज पे तो चलो हंसाती ही हूँ, वो तो मेरा काम है और मुझे अच्छा लगता है, पर घर में तो सेंसर नहीं होता ना कोई, तो कुछ ऐसा पब्लिक भी नहीं बोलेगी क्या बोल दिया, इनको ही बोलना होता तो मजा आ जाता। लेकिन सुबह सुबह मज़ा आता है जब हम तीनों जब औरतें इकट्ठी होती हैं और एक छोटा मर्द होता है गोला और एक बड़ा मर्द जो सोया होता है, पर मज़ा तब आता है। लेकिन अभी पता नहीं कब आएगा, मैं पूरा दिन शूट से आई हूँ लेकिन घर में पति को रहना चाहिए था ना, है नहीं देखो अभी आता है बताती हूँ उसको। यार थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई अभी, ये देखो यहाँ भी ठंड है। यहाँ पे आओ तो ऐसे लगता है न्यूयॉर्क में रह गए। चलो जी हर्ष तो आया नहीं, मैं खाना खा लेती, मुझे भूख लगी है। शीला खाना उड़ीसा में बात हो गई हो तो दीदी को खाना दे दो। यार मैंने दोस्तों मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने हर्ष को फ़ोन किया था, लाइट जला दो। तो मैं कह रही हूँ मैंने दोस्तों को फ़ोन किया था कि है, मैंने हर्ष को फ़ोन किया था दोस्तों। क्या बोली जा रही है, उनका दिमाग खराब हो रहा है, गुस्सा चढ़ रहा है यार, मैं थक गई हूँ, मुझे नींद भी आ रही है। तो मैं कह रही थी कि मैंने हर्ष को फ़ोन किया और मैंने बोला हर्ष आया नहीं अभी तक, तो बोलता मैं कहीं स्क्रिप्ट रीडिंग में हूँ पता नहीं क्या, और फिर बोलता है कि मैंने यहाँ पे खाना खा लिया है। Oh, no. और मैं
ये मैंने थोड़ा टाइम इसलिए दिया था ताकि इसमें थोड़ा इमोशनल म्यूजिक लग सके। कोई बात नहीं, मैं खाना खा लेती हूँ। मुझे पता आज बहुत ज़रूरी एक स्क्रिप्ट रीडिंग थी। हर्ष वहाँ पे है, होप सो वो काम हो जाएगा। अरे जिसकी बात कर रहे वही आ गया। जिसे ढूंढा गली गली वो इस्मा के घर मिली। ये देखो जी बीवी, पूरा दिन शूट करके आई है। ये अलग से कुछ बैठा था, लेकिन मैं सच्ची बोलूँ आज डांस दीवाने का शूट था, इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। बट इसको घर रहना चाहिए था ना। मैं भी काम पे गया था भाई, क्या करना है। क्यों सुबह जल्दी है। इधर आ भाई, इधर आ। ब्लॉग को एंड कर, मैं थक चुकी हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का दिन। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए भारती टीवी को और एलओएल को भी, लाइफ को प्ले मैच। बाय गाइस। मत कर, कितना लेट है, देखो ना पता मैं आ गया। ओलो आंवला कट दिया, बेइज्जती करवा दी इसने, ब्लॉग में ही बेइज्जती करवा दी। मैंने बोला तारीफ कर रही थी मैं, खाता है बुर करके निकाल दिया वापस, रिवर्स।